हेलो एवरीवन, जय श्री राधे राधे जी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे एक सिंगल कलर से बनने वाली बुनाई। इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए जल्दी से हम एक सिंगल कलर में बनने वाली बुनाई की शुरुआत करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ 4 के मल्टीपल में फंदे ले लिए और मैंने यहाँ पर 20 फंदे टोटल लिए हैं। तो चलिए बुनाई बनाना स्टार्ट करते हैं। पहला फंदा एज स्टिच उतार लेंगे, दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे, दो फंदे सीधे, जो ये हमने धागा अपनी तरफ किया था इसको दो फंदों पे से ऐसे उतार लेंगे, फिर दो फंदे सीधे, फिर धागा आगे करेंगे, दो फंदे सीधे, फिर जो ये हमने धागा आगे किया था इनको इन दो फंदों पर से ऐसे उतार लेंगे, फिर दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे, दो फंदे सीधे फिर से, और जो ये हमने फंदा धागा अपनी तरफ किया था उसको इन दो फंदों पर से ऐसे उतार लेंगे और दो फंदे फिर से हम बस ऐसे सीधे बुन लेंगे। इसके बाद में फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और दो फंदे सीधे, फिर इस जो धागा हमने अपनी तरफ किया था इस फंदे को, इस धागे को इन दो पर से ऐसे उतार लेंगे, फिर से दो फंदे सीधे और एक एज स्टिच आप रख लेंगे ऐसे। अब सीधी उल्टी सिलाई, पूरा ही उल्टा उल्टा हम इसे बुन लेंगे। उल्टी सिलाई को आप पूरा उल्टा उल्टा ही बुन लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे हम। जो पहले हमने यहाँ पर एक फंदा एज स्टिच उतारा था, दो फंदे सीधे बुने थे, फिर धागा आगे किया था, फिर दो फंदे सीधे बुने थे, जो धागा आगे किया था उसको मैंने इस पर से उतारा था। अब हम क्या करेंगे, पहले हमारा डिज़ाइन जो है इस तरफ में बना था, ये रहा, देखिए। अब हम क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिएगा ज़रा। एक फंदा सीधा, अब धागा यहाँ करेंगे अपनी तरफ आगे, और दो फंदे सीधे, फिर इनको ये जो धागा हमने आगे किया था इसको इस पर से ऐसे उतार लेंगे। पहले हमने इन पर से उतारा था, अब की बार हमने इस पर से उतारेंगे और दो फंदे जिन पर से हमने उतारा था उन्हें अब की बार सीधा बुन लेंगे बस। अब धागा यहाँ इस तरफ में करेंगे हम, अपनी तरफ सामने ले आएंगे, दो फंदे सीधे, फिर इस जो धागे को हमने घुमाया अपनी तरफ किया था इसको इन पर से ऐसे उतार देंगे, और फिर दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे, दो फंदे सीधे, जो धागा अपनी तरफ किया था उसको ऐसे इस पर से उतार देंगे, फिर धागा, फिर दो फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और दो फंदे सीधे, जो धागा हमने अपनी तरफ किया था उसी को इस पर से उतार देंगे दो फंदों पर से, फिर दो फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, दो फंदे सीधे, और इसे हम इस पर से ऐसे उतार देंगे। एक फंदा स्टिच आपका सीधा, देखिए। एक अब उल्टी सिलाई आपकी उल्टी उल्टी ही निकलेगी।
उल्टे सिलाई को आप पूरा उल्टा उल्टा ही बुन लेंगे। ये देखिए उल्टी सिलाई को उल्टा उल्टा बुना और ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से आएगा। अब फिर से हम जैसे हमने पहले किया था वैसे ही दोहराएंगे। एक बार डिज़ाइन यहाँ बनेगा, एक बार इधर बनेगा, एक बार फिर बीच में बनेगा, फिर एक बार ऐसे बनेगा। मतलब ये बार बार झंगे इसकी चेंज होती चली जाएगी। जैसे अभी हमने एक फंदा सीधा बुना, फिर दो धागे को अपनी तरफ किया, फिर दो फंदे सीधे बने, फिर जो धागा अपनी तरफ किया था उस धागे को इन दो पर से उतार लिया। तो अब क्या करेंगे, इन तीन को हम सीधा बुन लेंगे। पहले तीन फंदों को हम सीधा बुनेंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, दो फंदे सीधे, और जो ये धागा अपनी तरफ किया था इसको इन दो ऊपर से ऐसे उतार लेंगे। फिर दो फंदे सीधे, देखिए दो फंदे फिर सीधे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर इन दो को इस पर से ऐसे उतार लेंगे। फिर दो फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, इन दो फंदों को सीधा बुनेंगे, जो धागा अपनी तरफ किया है उसको इन दो फंदों पर से ऐसे हम उतार देंगे। दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे, दो फंदे सीधे, फिर जो धागा अपनी तरफ किया था इस पे से उतार लेंगे, फिर दो फंदे सीधे, और ये स्टिच भी आपका सीधा आ जाएगा। और उल्टी सिलाई वही आपकी उल्टी उल्टी बुनेंगे। ये थोड़ा सा डिज़ाइन मैं आपको बना करके दिखा दी हूँ, बस दो ही सिलाई का ये डिज़ाइन है। बस हर बार ये क्या होगा, झंगे चेंज होती जाएगी। एक बार इधर बनेगा तो इसके एक बार इधर बनेगा, जहाँ पहले डिज़ाइन बनेगा फिर उसके ऊपर डिज़ाइन नहीं बनेगा, इधर बनेगा, फिर इधर बनेगा, फिर इधर बनेगा, इस तरह से ये बनेगा। तो थोड़ा मैं आपको इसे बढ़ा करके थोड़ा सा बना करके फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए थोड़ा सा बन जाने के बाद ये डिज़ाइन का लुक कुछ इस तरह से आता है। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है, कोई बिगिनर भी इसे आसानी से बना सकता है। केवल चार चार फंदों पर ही ये बनता चला जाएगा, और दो सिलाइयों का ही डिज़ाइन है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, केवल दो सिलाइयों को या चार सिलाइयों को ही आपको देखना पड़ेगा, उसके बाद में ये स्वेटर इस तरह से ये डिज़ाइन बन करके आता है। और पूरे स्वेटर में ही आप इसे अप्लाई कीजिए, बहुत सुंदर बन करके आता है। किसी भी कलर में बनाइए, डार्क कलर में भी बनाएंगे तो भी ये बहुत सुंदर बन के आता है। तो कैसा लगा आपको ये मेरा डिज़ाइन, जरूर बताइएगा कमेंट में। मेरे साथ मेरी पूरी वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे राधे।